सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप यहां ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है टॉपिक टीसी की द्वितीय प्रति देने की प्रक्रिया क्या है। साथियों, कई बार हमारे विद्यालय में यह परिस्थिति आती है कि कुछ लोग टीसी की द्वितीय प्रति के लिए हमारे पास में आते हैं। यदि जिस किसी विद्यार्थी ने टीसी ले ही नहीं गया है, तब तो उसको हम टीसी आसानी से दे सकते हैं। किंतु जिस विद्यार्थी को पूर्व में ही टीसी दी जा चुकी है और उसका विवरण हमारे विद्यालय में दर्ज है और वह दूसरी बार टीसी के लिए आता है, तब टीसी की द्वितीय प्रति देने की प्रक्रिया क्या है, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। और साथियों, इस संबंध में मुझे एक शिक्षक साथी ने कमेंट करके पूछा है कि सर, आप बताएं कि किस तरह से हम टीसी की द्वितीय प्रति जारी कर सकते हैं। और साथियों, इस हेतु मैंने अपने वरिष्ठ शिक्षक साथियों से संपर्क किया है, उनसे सलाह मशवरा किया है और उनके दिशा निर्देश और सलाह पर मैं इस वीडियो को आप तक प्रेषित कर रहा हूं। तो देखिएगा, इसके लिए मैंने कुल 5 पॉइंट यहां पर लिखे हैं इस ग्रीन बोर्ड पर और इन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला बिंदु आप देखेंगे तो पहला बिंदु यह है कि टीसी गुम हो जाने की सूचना थाने को देकर लिखित प्रति लेना। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी विद्यार्थी की टीसी गुम हो जाती है या किसी तरह से भी नष्ट हो जाती है और उसे टीसी की द्वितीय प्रति की आवश्यकता है, तो सबसे पहली बात तो है कि उस व्यक्ति को, उस आवेदक को सबसे पहले थाने में एफआईआर दर्ज कराकर या इसकी सूचना देकर के उसकी लिखित प्रति लेना चाहिए और उस लिखित प्रति को विद्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात साथियों, हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जिला कोष अर्थात ट्रेजरी के अकाउंट पर चालान की प्रति ले। साथियों, दूसरी प्रक्रिया ये है कि यदि टीसी की द्वितीय प्रति चाहिए तो जो जिला कोष है यानी ट्रेजरी है, उसके अकाउंट में चालान का भुगतान करने के पश्चात उसकी प्रति को भी विद्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी आपको उसकी प्रति लेना होगा, इसके पश्चात ही आप टीसी जारी करेंगे। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण है और हो सकता है साथियों कि जो चालान की प्रक्रिया है वो अलग प्रकार की भी हो सकती है, हो सकता है जिला शिक्षा अधिकारी के खाते में भी चालान हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जो जिला कोष है, ट्रेजरी है, इसके अकाउंट में चालान पटाया जाना चाहिए और उसकी जो प्रति है वो आप ले लें, उस प्रति को लेने के पश्चात ही आप टीसी जारी करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। ठीक है, आगे हम देखते हैं साथियों। तो तीसरा बिंदु यह है कि टीसी प्राप्त करने का कारण लिखित रूप में आवेदन के रूप में ले। साथियों, तीसरी बात यह है कि जिस भी आवेदक को टीसी चाहिए तो उससे लिखित आवेदन आप ले और उस आवेदन में उस टीसी का उपयोग करने का स्पष्ट उल्लेख करवाना चाहिए कि किस कारण से वह टीसी ले रहा है। ठीक है साथियों, ये प्रक्रिया हो जाने के पश्चात चौथे क्रम में जब हम टीसी बना लेंगे और टीसी बनाने के पश्चात टीसी पर द्वितीय प्रति या यदि हम तृतीय प्रति दे रहे हैं तो द्वितीय या तृतीय प्रति अवश्य लिखे। साथियों, यह बहुत ही अनिवार्य है और हमको यह याद रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति टीसी की द्वितीय प्रति के लिए आता है, दूसरी बार आता है या तीसरी बार आता है, तो यदि दूसरी बार आता है तो हमको द्वितीय प्रति लिखना आवश्यक है और यदि तृतीय बार आता है तो हमको उसके तृतीय प्रति लिखना अनिवार्य है। और पांचवी प्रक्रिया क्या है साथियों, कि टीसी प्राप्तकर्ता से द्वितीय या तृतीय प्रति टीसी की प्राप्ति के हस्ताक्षर अवश्य ले। और साथियों, कोई भी जो आपका प्रदाय पंजी होगी, उस प्रदाय पंजी में उसके अवश्य ही हस्ताक्षर ले ले, टीसी प्रदान करने के हस्ताक्षर अवश्य ले ले। तो साथियों, ये प्रक्रिया है टीसी की द्वितीय या तृतीय प्रति देने की और इसका पालन हम शिक्षक साथियों को अवश्य ही करना चाहिए। हो सकता है साथियों इस संबंध में आपके कुछ और भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हों और यदि आपको प्रश्न पूछना है तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि ये जानकारी जो है मैंने अपने वरिष्ठ शिक्षक साथियों से पूछ करके आप तक प्रेषित की है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं या मैं आपको, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी श्री देश पटले सर और सर का यहाँ नंबर भी है, आप सीधे कॉल करके या व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान भी कर सकते हैं। तो साथियों, आशा है यह वीडियो आपको काफी उपयोगी लगा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं।
अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।